हमारे कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर सियासत तेज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन दिनों यहाँ टोपी पर सियासत गरमाई हुई है, वो भी लाल टोपी जो कि समाजवादी पार्टी की पहचान है। बता दें कि कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने 29 अगस्त को कहा कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है, पन्नों को पलटेंगे तो काले कारनामों से उनका इतिहास भरा है। सपा की टोपी लाल लेकिन कारनामे काले हैं। इसी बीच सपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने आगे कहा कि गुंडागर्दी, अराजकता, बेटी व्यापारी की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान है। इनके दिखने वाला शकल कुछ और है और दिखाने वाला चेहरा कुछ और है। इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब किसी को सदमा लगता है तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग का महत्व समझना जरूरी है। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, या मेल मिलाप और भावनाओं का भी प्रतीक है। हमारे मुख्यमंत्री शायद इस भावनाओं को नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लाल टोपी उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जो गंजे हैं। उनका इशारा मजाक किया था, लेकिन वे लाल रंग के महत्व पर ज्यादा जोर दे रहे थे। इसी बीच अखिलेश यादव के समर्थन में अयोध्या सांसद अविदेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी लाल रंग की टोपी से घबरा गई है। उनको पता है कि लाल टोपी ही इनको सत्ता से अलग करेगी। जब से बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार गई है, तब से बीजेपी पूरी तरीके से लाल टोपी से घबरा गई। अवधेश प्रसाद ने कहा कि लोकसभा में लाल टोपी तीसरी शक्ति बन गई, उपचुनाव में लाल टोपी ही इनको हराएगी, समाजवादी पार्टी ही सारी सीटों पर विजय पाएगी। बीजेपी पर लाल टोपी का भूत सवार है। बीजेपी वाले जानते हैं कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी दहशत में है उपचुनाव को लेकर कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 7 जन्म लग जाएंगे उनके सपने पूरे होने में। मिल्कीपुर सीट ये नहीं जीत पाएंगे। मिल्कीपुर सीट से कम 60,000 से 70,000 वोट से जीतेंगे। इन सब बयानबाजी के बीच सीएम योगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी खुद लाल टोपी में नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि खुद लाल टोपी पहन रखे हैं, लाल टोपी काले कारनामे वाली बात एकदम सेट बैठ गई योगी जी पर। अगले यूजर ने लिखा कि गजब के व्यक्ति हैं अखिलेश जी, विपक्ष में रहते हुए भी लोगों को टोपी पहना देते हैं। वहीं अगले यूजर ने लिखा कि नमाजवादी टोपी नहीं है जो तू खुश हो रहा है। इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।